हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज हम हैं परम अवतार श्री कृष्ण के सेट पर परम आदरणीय कंस जी के साथ। क्या तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारी आठवीं संतान कहाँ है? तो क्या ये एक दिन में अढ़ाई दिन जिएगा? 100 वर्ष आयु में जो कोई योद्धा ना कर सका ये अपनी अल्पायु में करेगा। गिरकर संभलने वालों की ही जीत होती है बाजी। उठ बाजी। बाजी उठो। मैं विष्णुगुप्त चंद्रपुत्र चाणक्य आज अपनी ये शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा नहीं दूंगा, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कंस जी, ये जो आपका मनीष भाई इसमें रोल है कंस का, ये बिल्कुल आपने अलग तरह से पोर्ट्रेट किया है, इसकी कोई खास वजह? ये एक्चुअली हमारे प्रोडक्शन से, क्रिएटिव से, चैनल से ही इंस्ट्रक्शंस थे। उन्होंने कुछ इस तरह से इसको पिरोया था कि वो एंटरटेनिंग हो, मजेदार हो, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं ज्यादातर, क्योंकि छोटा है लेकिन बड़े भी हैं डेफिनेटली, वो उसमें बोरियत ना हो, क्योंकि वो कितनी बार अपने असुरों को भेजेगा और हर बार सेम कहेगा कि जाओ उसको लेकर आओ, उसको मार दो, हर बार वही उसके एक्सप्रेशन होंगे कि अल्टीमेटली उन्हें हार के आना है। राइट। तो हार के आने के बाद भी जब तक वो उसमें खुद इतने सारे इमोशंस नहीं होंगे तब तक लोग मजा नहीं लेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुछ अलग करने का, क्योंकि मैं चाह ही रहा था कि अपनी उस रोज जो ज्यादातर लोग समझते हैं कि एक सीरियस अभिनय और उस तरह से निकलना था मुझे। गॉड ब्लेस, वो काम कर गया। और कंस एक नए रूप में हम लोगों को देखने को मिल गया। नए रूप में मतलब बिल्कुल मूछें भी नहीं है और मुकुट भी ज्यादातर कैरी नहीं किया। मुकुट नहीं है इसलिए वहाँ ऊपर वो एक उस तरह का शील्ड बनाया है इन्होंने तो हैवी करने के लिए, क्योंकि अगर बाल नहीं, विग नहीं लगाते तो मुकुट बड़ा खराब लगेगा। राइट राइट। तो उस तरह मुकुट निकाल ही दिया था। तो मरीज जी, इसी वजह से ये जो आपने इतने सारे वेरिएशंस दिखाए, इसी वजह से इतना लंबा सीरियल चल भी रहा है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं? मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं कहे, राइटर्स भी हैं इसमें, डेफिनेटली चैनल भी है, सब हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। राइट। मैं तो वही करता हूँ जो वो लोग कहते हैं। राइट। हाँ, बस मुझसे हो जाता है वो तो। ये बात बहुत बड़ी कही है मनीष वाधवा जी ने कि एक्टर जो होता है बहुत सारे लोगों की मेहनत को एक फेस देता है, एक मेहनत को प्रेजेंट करता है। इससे पहले भी आपने बहुत चैलेंजिंग रोल किए हैं जी, उनके बारे में कुछ बताइए। जैसे चाणक्य था जी, वो मेरा लाइफ चेंजर है चाणक्य के लिए। वो भी मेरे लिए उस वक्त जो मैं अब तक मतलब उससे पहले कर चुका था वो मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट था। तो अपने आप को तोड़ने में जो मज़ा आता है, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जब भी फिल्म के एक्टर्स हों या टीवी के एक्टर्स हों जो अपनी रूटीन चीज़ों से अलग हटके करते हैं, तो जैसे प्राण साहब थे, उससे पहले बहुत पहले विलन हुआ करते थे, फिर वो जब उन्होंने कैरेक्टर रोल्स यानी उपकार में हो या उस तरह की चीज़ तो लोगों ने बहुत सराहा, जंजीर में हो तो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो वो जब भी हुआ है, जिनके साथ भी हुआ, चाहे वो अमरीश पुरी साहब हो या अमित जी हो, चाहे मतलब कोई भी हो, चाहे शाहरुख खान हो, वो हीरो से नेगेटिव में गए हो या परेश जी नेगेटिव से कॉमिक में, जैसे जैसे भी हुआ, तो लोगों को बड़ा मजा आता है कि हाँ, और एक्टर को भी उतना एंजॉयमेंट मिलता है, क्योंकि वो आप रोज जो रोज वाली चीजें उससे अलग हटके करते हैं, तो वो जब आप कोई चीज करते हैं उसके मजे लेते हैं, उसके मजे से करते हैं, तो लोग भी उतने ही मजे लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है मनीष जी कि जब भी इस तरह के जो रोल हैं, जो लोगों के जहन में बसे हुए, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे वो कंस हो, लोग बोलते हैं कि इमेज टाइप्ड हो जाती है, तो एक रिस्क भी रहता है। बिल्कुल अलग है और कंस बिल्कुल अलग है, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। राइट। अब जैसे हम उसकी कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो उसके बीच में मैंने काफ़ी सारे अलग भी किए, जैसे इस प्यार को का नाम दूं मैं, एक बहुत ही घर का घरेलू आदमी, यानी बहुत रिच आदमी है, परिवार है उसका, वो बाहर उसका ये है कि वो बहुत ही सभ्य है, बहुत ही प्यारा, यानी इतना इससे अच्छा इंसान नहीं हो सकता, और उल्टा है वो घर में अपनी डबल शेड, हाँ डबल शेड है, अपनी बीवी को मारता है। ओके। पता ही नहीं चलता कि बीवी के साथ उसका ये रिलेशन है। जब वो लोगों के सामने आया तो बहुत वाली बात थी कि शौक लगा था लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो बहुत मजा आया था मेरे को। आप जो जनरली मतलब हमारे हिंदुस्तान में है कि हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे दिखते हैं सामने, और वाइफ हस्बैंड बहुत अच्छा वो करते हैं, अंदर उनका रिलेशन क्या है वो बहुत कम लोगों को पता। राइट राइट राइट। उस तरह वो एक करने को मिला, फिर वो करते करते मुझे रावण मिला। अब रावण को लोगों ने उस तरह से दिखा था कि वो हमेशा वही सेम बड़ी मूछें करने वाला, अब मुझे रावण भक्त मिला था, महादेव का भक्त है, तो वो एक अलग चीज थी कि जब वो भक्त के रूप में है तब कैसा अलग ही होगा। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं पूरा कर नहीं पाया वो, मेरा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी हेल्थ वाइज, तो मुझे छोड़ना पड़ा, लेकिन जितना भी मैंने किया बहुत एंजॉय किया। तो
इस तरह की चीज़ें अलग अलग करना, टाइम मशीन, अब वो टाइम मशीन उसने खुद, वो वैज्ञानिक है, खुद टाइम मशीन उसने बनाई है, साइंटिस्ट है, और वो टाइम ट्रैवल करता है तो हर बार अलग कैरेक्टर अलग जीता है। महाकुंभ है, महाकुंभ बहुत ही अलग रोल था जो मतलब मुझे नहीं लगता कि टीवी में किसी एक्टर को इस तरह का कुछ चैलेंजिंग करने को मिले, जो छः गेटअप्स मिले और उसके छः गेटअप्स के बाद उसको वैसा किरदार निभाने को मिले, तो बहुत मज़ा आया, हर बार कुछ ना कुछ अलग करने को मिला। राइट राइट, तो ये तो है कि आप एक्टर बन, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मैं भूल रहा था, पेशवा बालाजी, जो मैंने बालाजी तो उसमें रोमांस भी कर लिया, तो ये बचा हुआ था कि रोमांस का हिस्सा था, वो भी कर लो, वो भी हो गया। और साथ में बालाजी की शूटिंग चल रही थी, साथ में कंस की चल रही थी, दोनों। हाँ, तो एक दिन दो दो भी किए, तो वहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट, एकदम ऐसे, मतलब हाथ जोड़ के नीचे मुंडी करने वाला एकदम प्यारा इंसान, यहाँ आने के बाद सबका मुंडी झुकाने वाला, तो बड़ा मजा आता। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ होना पड़ता है एकदम से, एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर, बस निकल जाओ, आपको सोच लगे, सोच लो कि आप वही हो, तो आप अपने आप जी लो। राइट मनीष जी, इतने सारे करेक्टर तो आप निभा चुके हैं, लेकिन पहली बार इरादा कब किया कि मुझे एक्टर ही बनना है? बचपन से मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अगर आप मुझे बोलो कि एक्टर नहीं होते तो क्या होते, तो सोच के भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्या होता। मुझे सिर्फ यही काम आता है, तो बचपन से ही सोच लिया था कि इसी फील्ड में जाना है, और थैंक गॉड कुछ ना कुछ ऐसा मिलता गया, नाटक के जरिए, नाटक किया, फिर नाटक के जरिए आगे आगे आते आते थे, इस तरह यहाँ पहुँचा। आपने तो इरादा बना लिया कि ठीक है मुझे एक्टर बनना है, क्या घर वाले और आसपास के लोग सपोर्टिव? बिल्कुल, सब बड़े खुश थे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कुछ करते हैं तो जैसे नाटक कॉलेज से शुरू किया मैंने, उससे पहले भी मैं करता था, बट जब आपको अवार्ड मिलने शुरू होते हैं तो आप लोग भी समझते हैं कि नहीं ये सही जा रहा है। अभी जैसे मुझे अगर किसी क्लास में या किसी स्टैंडर्ड में फर्स्ट मिलता या मुझे परसेंटेज अच्छे आते और मैं बोलता कि हाँ मुझे अब डॉक्टर की तरफ जाना है, साइंस में मुझे अच्छे मिले, तो कोई मना नहीं करेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हाँ आप सही जा रहे हैं। तो मुझे एक्टर में 5 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, बलराज सहनी ट्रॉफी मिली, तो ऐसा लगा, सबको भी लगा कि नहीं सही जा रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ बस कह रहे जा रहे हैं, अट्रैक्शन में है, अट्रैक्शन में। तो पहला ब्रेक कैसे मिला फिर आपको? पहला ब्रेक एक्चुअली बहुत बार मिला मुझे ऐसा पहला ब्रेक रियली मतलब पहला ब्रेक यानी मैं इसलिए कहता हूँ ये कि नाटक में एक अलग ब्रेक होता है, राइट, सीरियल में आपको एक अलग तरह का वो मिलता है, फिल्म में आपको एक अलग तरह का, जो चीज़ आपकी चल जाए, जो चीज़ आपकी हिट हो जाए ना, लोग उसको ब्रेक मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग आकर करके चले जाते हैं, अगर आपकी फिल्म नहीं चलती है, आपका सीरियल नहीं चलता, तो आपको नहीं मानते हैं, रिकॉग्निशन ही नहीं, ये बड़ा अजीब है। बड़ी से बड़ी फिल्म में, बड़ी बहुत अच्छी फिल्म होगी, सुपर हिट होगी, उसमें एक किरदार कोई चपरासी का कर रहा होगा ना, तो वो भी सुपर हिट है, राइट। और एक ऐसी फिल्म जो फिल्म नहीं चली लेकिन आपने बहुत अच्छा किरदार किया है और उसमें आप मेन कुछ अच्छा कर गए, लेकिन आपको लोगों को पता ही नहीं क्योंकि लोगों ने देखी नहीं है, राइट राइट। तो वो पहला चांस मैं उस तरह से, जैसे आप टीवी में पहले भी करता था, लोगों ने अब उसको देखना शुरू किया मेरे चाणक्य के पहले के काम को, तो लोग बोलते थे यार बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन तब ध्यान नहीं गया था, रिकॉग्निशन नहीं था, ध्यान नहीं हुआ। चाणक्य के बाद लोगों ने उसको उसी काम को फिर से देखा तो लोग बोलते हैं यस, तो मैं किसको पहला ब्रेक मानूं, उसको या इसको, राइट है, मतलब चाणक्य ने उनको पीछे देखने में मजबूर किया। हाँ, मजबूर, क्योंकि पहले क्या किया था, तो पहले कोहिनूर किया था, कोहिनूर में बहुत लोगों ने पसंद भी किया था, राइट, लेकिन वो एक चीज नहीं बन पाई। कोहिनूर से मुझे रामगोपाल वर्मा की फिल्म भी मिली शबरी, तो उसमें मैंने लीड भी किया, लेकिन 2005-6000 में फिल्म बनी, 2011 में रिलीज हुई, आप कैसे उसको मान सकते हैं, राइट राइट। तो उस साथ ही मुझे, मैंने राहुल की थी प्रकाश झा की 2002 में, मुक्ताज की, सुभाष गई उसके प्रोड्यूसर थे, तो आप सोचिए वो फिल्म करने के बाद जहाँ जितनी समीक्षा वाले होते हैं या वो जो वो करते हैं आपको इंटरव्यूज लेते हैं, तो उसमें भी और जिन्होंने उसको देखा और सराहा भी, कुछ सराहा मतलब पिक्चर की तो बैंड बज गई थी, सॉरी नहीं चली थी फिल्म, नहीं चली थी, जबकि फिल्म अच्छी थी, लोगों ने मेरे बारे में कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिल्म नहीं चली आपकी तो आप कुछ कर नहीं सकते। प्रकाश जी ने खुद कहा कि मुझे बड़ा अच्छा एक्टर मिला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो बस बात वहीं आ जाती। लेकिन चाणक्य के बाद यानी सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, अच्छे ओले पड़ गए, अच्छे वाले ओले पड़ गए, तो ये एक फायदा हो गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ मनीष भाई कि पैशन तो है एक्टिंग, लेकिन उसके साथ पेशेंस भी बहुत चाहिए, पेशेंस भी चाहिए। हाँ। आपको नहीं, आपको ये नहीं होता कि आपने आज कुछ बो दिया है तो वो आज ही उग जाएगा और बहुत कमाल का हो गया और कमाल का बिकना शुरू हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने ऐसी एम ही कुछ अच्छा सा वो कर दिया, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो कहीं कम नहीं होनी चाहिए, वो कहीं कम नहीं होनी चाहिए। वो पानी भी डालना है, खाद भी देना है, उसको हर चीज देनी, उसकी देखभाल भी करनी है, वो सब वैसा ही होना चाहिए। और अगर निरंतर चलते रहे तो एक ना एक दिन ड्यू मिलेगा 100%। आपने गेहूं बोई, गेहूं उगेगी, क्यों नहीं उगेगी, राइट राइट, कब तक उसके अंदर आसपास कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो अब तो आप इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पब्लिक का प्यार भी मिल रहा है, रिवॉर्ड भी मिल रहा है, अवार्ड भी मिल रहा है, उसके बारे में बताइए। ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है,
मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे भगवान का आशीर्वाद है, और सबसे ज़्यादा ऑडियंस का आशीर्वाद है कि मुझे पसंद करते हैं, जिसकी वजह से अवार्ड भी दे देते हैं, रिवॉर्ड्स भी दे देते हैं। और इसमें इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल सकता। बस मुझे अपना ये है कि मैं अपना करता रहूँ, और रिक्वेस्ट ही करता रहूँ अपने मन से भी और लोगों से सबसे, कि सब मुझे ऐसे ही सराहते रहें, प्यार करते रहें। ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा आपको। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जब एक्टर थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो कई बार उसको लगता है कि नहीं, इस रोल को मैं ऐसे करूँगा तो बेटर है, तो उस टाइम पे डायरेक्टर के साथ या राइटर के साथ कुछ क्रिएटिव क्लैशेस होते हैं, और उसमें फिर कैसे कन्विंस हुआ जाता है, वो क्या टेक्निकल? देखिए, इसमें ना बहुत ही सीधा सा, एकदम साधारण सा उत्तर है इस चीज़ के लिए। या तो आप मुझे कन्विंस कर दो, या मैं आपको कन्विंस कर दूंगा। ओके। और क्रिएटिविटी में कोई ईगो नहीं होता। अगर डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, मैं हूँ, उन्होंने मुझे किस तरह से कन्विंस कर लिया कि ऐसे होगा और मैं कन्विंस हो गया, तो मुझे अपना ईगो नहीं लाना चाहिए कि नहीं, मैंने इसको ऐसा सोचा था, मैं इसको ऐसा ही करना चाहता हूँ, तो वो गलत है। मैंने उनको कन्विंस कर दिया कि सर मैं इस चीज़ को ऐसे सोच रहा हूँ। तो जैसे मैं रावण का जब मुझे रोल बताया गया कि आप करेंगे, तो मैं निखिल जी से मिलने जा रहा था, गाड़ी में बैठे बैठे यही सोचता जा रहा था कि जो अब तक लोगों ने किया है बहुत अच्छा किया है, अच्छा से निभाया है उसको। उनका एक वे था, डायरेक्टर्स का अलग सोच थी, डायरेक्टर क्रिएटिव्स की अलग सोच थी, सब अपने हिसाब से सोच रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे पोर्ट्रे भी किया, पर मैं इस चीज़ को सोच रहा था कि मैं इसको इस बार ऐसा करूँगा कि ये उस तरह का रावण नहीं है जो चारों वेदों का ज्ञाता है, इतना बड़ा है, उसका संसार पर आधिपत्य है, और वो इतना बलशाली है, जो चाहे वो कर सकता है, उसे क्या ज़रूरत है चिल्लाने की, उसे क्या ज़रूरत है हंसने की ज़ोर ज़ोर से, वो तो और सेंसिबल होगा कि वो यहाँ से कहीं से गुजर भी जाए तो लोग अपने आप झुक जाए, उसका फुल कंट्रोल है। जैसे अभी यहाँ कोई एक कमाल का एक वो आ जाए, तो उसको ज़रूरी नहीं कि वो मुड़के भी देखे, तो आदमी अपने आप ही ऐसा होता है कि नहीं यार वो सर जा रहे हैं, यार वो है, उसको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है या चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और था भी भक्त का रोल, तो मैं जब उनके पास पहुंचा तो मैंने उनको कहा कि मैं सर, मैं पहले आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं इसको ऐसे, बोलते मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। क्या बात है। मैंने भी यही सोचा था, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाया कि तुम इसको, शायद हम दोनों मिलके कुछ इसको सोचें इसको अलग से। और वैसा हुआ, और गॉड ब्लेस, लोगों ने बहुत पसंद किया मुझे। इतने उस दौरान सच में मेरा दुर्भाग्य कि मुझे वो छोड़ना पड़ा मेरी तबीयत की वजह से, वरना इतने अच्छे वो, इतने कॉल्स मुझे उस डेढ़ महीने के दौरान इतने नहीं आए मुझे अप्रिसिएशन के, कमाल का हो रहा है, वो कुछ अलग, वो रावण नहीं है जो रावण देखा गया। भगवान का आशीर्वाद है, मालिक का आशीर्वाद है कि वही आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डालता है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। सेम चीज़ चाणक्य के साथ हुई। आज तक जितने रीमेक बने हैं, जितनी सारी चीज़ें वापस बनी हैं, अब वो चाणक्य सुपर हिट रहा है पहले डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का, और उन्होंने ऐसा कमाल किया है कि मतलब मैं सच बताऊँ कि जब भी मैं आंखें उससे भी पहले बंद करें तो आप चाणक्य के बारे में सोचेंगे, आपकी उनकी छवि, उनकी शक्ल दिखाई देगी। अब मैं डरा हुआ कि क्या होगा, मैंने मतलब कैसे कैसे करेंगे, जो रिमेक अब तक फ्लॉप हो चुके हैं, और वैसे क्या होगा, पता नहीं ऐसा कुछ चीज़ बनी। डायरेक्टर के साथ बैठ कर हम लोगों ने, क्रिएटिव के साथ बैठ कर कुछ डिस्कशन किया, इसको ऐसे लेते हैं, ऐसा करते हैं, वो चीज़ अलग ही निकल आई। भगवान का आशीर्वाद रहा कि आज मतलब भगवान लोग मुझे भी उतना ही करते हैं। चाणक्य भी उसी तरह से पसंद उसी तरह से पसंद किया जाता है। अभी मतलब लोगों ने पूछा भी कभी, अब बुक्स पर तुम्हारी फोटो छपती है तो पैसे लेते हो? मैंने कहा नहीं भाई, फ्री में हर घर में पहुंच रही है, तो मैं क्यों उनसे वो, मैं अमेरिका में तो हूँ नहीं कि मैं उन पर सू कर दूँ। सही बात। तो उसी तरह से आपने फिर कंस की भी छवि पे एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट, हाँ, तो एक्सपेरिमेंट तो ये उनकी तरफ से ज्यादा था। हाँ, ये बालों का और मूछों का एक्सपेरिमेंट मेरा ही था। उन्होंने जब मुझसे कहा कि आप ये मूछें लगा लीजिए, हम, उन्होंने जब मुझे अपना वो पोर्ट्रेट दिखाया था, ये देखिए कंस हमारा है, आपको ऐसा कॉस्ट्यूम देंगे, ऐसी शक्ल है, मैंने कहा ये मूछें, दाढ़ी और ये मूछें और ये इस तरह, बोलते हाँ वो कंस है। मैंने कहा वो तो मैं नहीं करूँ, सॉरी वो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बड़ा वो किया, नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, अच्छा एक काम करते हैं, विग छोड़ दीजिए, मुकुट छोड़ देते हैं, मूछें तो लगा लीजिए। मैंने कहा मूछों में मैं पेशवा बाजीराव कर रहा हूँ, उसमें भी बड़ी मूछें हैं, कितना वेरिएट कर लोगे आप? और मैंने कहा मूछें भी नहीं लगाएंगे, कुछ अलग करते हैं। और मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, ये किसका थॉट है कि देवकी का वो भाई है, जरूरी है कि वो अगली दिखे? वो जरूरी है कि बेकार खराब दिखे? हाँ, मतलब नेगेटिव है तो जरूरी है कि वो खराब दिखे? वो उसकी जो प्रवृत्ति है, जो उसके कर्म है, वो नेगेटिव है, वो राक्षसी है, तो राक्षस को राक्षस दिखाना जरूरी नहीं है, उसकी प्रवृत्ति दिखाते हैं ना। तो बाय द टाइम प्रोमो की डेट्स भी आ गई,
चैनल वाले भी थे तो उन्होंने कहा आप तो मूछे सर एक बार लगा के तो देख लो। हाँ। तो पता नहीं वो भी मेरे से कन्विंस हो गए। अच्छा। इतने में शॉट आ गया, शॉट भी हो गया बिना मूछे, टेलीकास्ट भी हो गया, तो पसंद भी हो गया, अब चल रहा है बढ़िया। अब आप जब पूरे दिन कंस में बिताते हैं जी, अब लगता है कि कोई और एक रोल बचा है ऐसा हिस्टोरिकल जो मेरे को चेंज करनी है? नहीं, देखिए मैं आपको अभी आज ही यही बात कर रहे थे। हाँ। लोग ना मुझे सोचते हैं कि मैं हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल के लिए ज्यादा वो करता हूँ, जबकि मैं आपको सच बताऊं मेरे दूसरे शोज ज्यादा हैं। ओके, ये बात और है कि जब मैंने इनमें थोड़ा सा वो किया तो ये अपने आप हिट हो गए, और लोग पहचान पाए। चाणक्य हो गया, रावण मैंने थोड़ा ही किया, अब कॉस्ट्यूम ड्रामा में यानी माइथोलॉजिकल में मेरा ये तीसरा शो है। इससे ज्यादा बाकी, लेकिन ये सिर्फ तीसरा शो है कंस। राइट। तो लगता है ऐसा कि मैं बड़ा माइथोलॉजिकल सीरियल्स कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। ओके। तो ये ऐसा भी चल रहा है, चलेगा, ठीक है। और अभी आपकी फिल्में भी आ रही है? हाँ जी, वो भी कॉस्ट्यूम ड्रामा है, बाई चांस की बात है, मणिकर्णिका। तो वो मुझे पेशवा देखी थी। ओके। वो मुझे पेशवा का रोल जब उन्होंने देखा और अपने आप पता नहीं क्या हुआ, बस बुलाया और सीधा बोलते ये आप करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, अच्छा है तो क्यों नहीं करेंगे। उसकी लेंथ पे इम्पोर्टेंस नहीं होता, उसके वजन में इम्पोर्टेंस ज्यादा कि कैसा करेक्टर आएगा, कैसा निकल के आएगा। और भी आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके? हैं, एक दो हो रहे हैं, देखें, गॉड ब्लेस। चलिए, नए नए रूप में हम इनको देखते रहेंगे, मनीष जी को हर जगह पे इसी तरह से ये पहचान स्थापित करते रहेंगे। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे मनीष वाधवा हमारे साथ। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आपके सीखने समझने के लिए, मैं जरा सा समराइज कर देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ कि आपको अगर इस फील्ड में आना है तो पैशन चाहिए, तो पेशेंस भी चाहिए, आपको सब्र भी चाहिए। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी सिखाई कि या तो आप कन्विंस कर लें या फिर आप कन्विंस हो जाएं, ईगो को मत लाइए बीच में, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रोजेक्ट के भले के लिए हो रहा है, करेक्टर के भले के लिए हो रहा है। अगली बार कुछ और वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।